नमस्ते राधे राधे, आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ, यहाँ देख सकते हैं चूल्हा के पास। अभी चूल्हे का लिपाई करने वाली हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद में इसमें आग जलाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ चूल्हे की लिपाई करने के लिए फ्रेंड्स। तो आज ना मैं पीली मिट्टी से लिपाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये चिकनी मिट्टी है जो आप लोगों को कल मैं दिखाई थी कि बाल्टी में फुला करके रखी हूँ चिकनी मिट्टी, तो वही वाला है। और साथ में इसमें ना गोबर जो है वो मिलाई हुई हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं काला काला दिखाई देता है। और इस चूल्हे पे ना आज रात में ना छोटी के पापा जी 1 बजे तक जगे हुए थे फ्रेंड्स, तो कोयला डाले हुए थे, इसलिए थोड़ा सा आग जो है इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसको लिपाई करने से ना कोहरा उठ रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो मतलब बैठ करके यहाँ पर आग ताप रहे थे, वो हम लोग सो रहे थे फ्रेंड्स, उनको नींद ही नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा उनका पैर जो है वो जलन हो रहा था, इसीलिए वो आग ताप रहे थे। और आप लोग पूछ रहे थे कि भैया का तबीयत कैसा है, तो फ्रेंड्स उनका तबीयत जो है थोड़ी पहले से ठीक है रहने के लिए, लेकिन पैर जो है वो ठीक नहीं हो रहा है और कमर दर्द करता है, पैर में जलन होता है और कमर में दर्द हो रहा है। उतना ज्यादा नहीं है, जो कि पहले जिस टाइप से देखे थे उस टाइप से नहीं है, उससे कम ही है रहने के लिए, लेकिन रात में जब सोते हैं ना उसी टाइम पे दर्द होता है फ्रेंड्स, नहीं तो बाकी तो सब ठीक है। और आप लोग हम लोगों की इतनी केयर करने के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिल से शुक्रिया कि कोई तो है हमारी यूट्यूब फैमिली जो कि हम लोगों का इतनी चिंता करते हो, पूछ रहे हो फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, और हमारे छोटे के पापा जी भी कमेंट्स पढ़े हुए थे तो बोल रहे थे कि पूछ रहे हैं मेरे को कैसा हूँ, इसको बोल के खुश हो रहे थे फ्रेंड्स कि सच में यूट्यूब फैमिली भी इतनी मतलब कदर करते हैं, इस टाइप से बोल रहे थे। उनको नहीं पता था ना कि मतलब यूट्यूब फैमिली भी मतलब एक फैमिली की तरह होते हैं, तो मेरे को बोल रहे थे वीडियो सब में कि मत दिखाना मेरे को, मत बनाना ऐसे, लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि सच में यूट्यूब की फैमिली जो है वो सच में एकदम एक फैमिली की तरह होते हैं, सबका मतलब सबको पूछते हैं, सबकी कदर करते हैं, अब उनको एहसास हुआ है जा करके, तो उनको भी अच्छा लग रहा था आप लोगों का मैसेज पढ़ के कि मतलब मेरे को पूछ रहे हैं इस टाइप से। और पहले भी पढ़ते थे जब आप लोग भगवान से विनती सब कर दे रहे थे ना, प्रेयर कर दे रहे थे, उसको भी बोल रहे थे कि मतलब कमेंट्स पढ़ के कि बहुत मतलब अच्छे से ये लोग प्रार्थना कर देते हैं, एक दूसरे के अनजान है फिर भी से इस टाइप से बोल रहे थे। देख सकते हैं मेरा चूल्हा जो है ना वो पोताई करके कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चिकनी मिट्टी से पोताई की हूँ और यहाँ का देखिए पूरा सूख जा रहा है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं गर्म है इसीलिए। और जा रही हूँ मैं अगला काम करने के लिए, तब तक आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मैं अपना आग जो है ना वो जला चुकी हूँ सुबह का, और यहाँ पर ना झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह पे आंगन घर सबको साफ करना तो ज़रूरी होता है। और आज ना फ्रेंड्स रात के 1 बजे से ही लाइट जो है ना वो नहीं था, और मैं अंधकार में ही लिपाई करके आप लोगों को दिखाई चूल्हा को, मोबाइल का टॉर्च बस जला हुआ था, लाइट नहीं था, इसलिए जो है पूरा काला काला जो है दिखाई दे रहा था। लाइट ना 1 बजे रात से कटा तब से आया ही नहीं दोबारा, और मोबाइल भी आज मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं है, फिर भी से आज मैं थोड़ा बहुत बना करके आप लोगों के लिए दे रही हूँ फ्रेंड्स वीडियो, क्योंकि आज लाइट जो है ना नाक में दम कर रखा है, एक तो ऊपर से बार बार कटता है, और आज एक बार कटा तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है लाइट, इसीलिए आज मैं अंधकार में ही लिपाई की। और आज जो है घर के अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि लाइट ना नहीं आ रहे, और आज ना मैं लाइट का इंतज़ार करते करते सिर्फ क्या बोलते हैं चूल्हे के पास का लिपाई की थी और झाड़ू लगाई थी, उसके बाद में वेट की ना 11 बजे तक बिल्कुल भी नहीं आया फ्रेंड्स, उसके बाद भी मेरे को ना करना ही पड़ा ऐसे ही बाहर का कुछ कुछ काम जो था उस सबको, क्योंकि मैं सोच रही थी अंदर में लिपाई भी करना था मेरे को, तो लिपाई भी करूंगी सोच रही थी, लेकिन लाइट जो है ना बिल्कुल भी नहीं आया। तो मेरा आंगन को देख सकते हैं, मैं जो है ना झाड़ू लगा चुकी हूँ, ख़त्म हो ही चुका है मेरा, और अभी तक ना सूर्य उदय नहीं हुआ है, और मौसम बहुत अधिक ख़राब है, रात में तो बहुत अधिक हवा चल रहे थे और अभी भी बहुत अधिक ख़राब है, ऐसा लग रहा है देखने से कि पानी जो है आएगा इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मेरा झाड़ू जो है लग चुका है, और खाना सब्जी वगैरह मैं सारी चीज़ पका ली हूँ,
बट खाई नहीं हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद में ना मैं यहाँ पास आ गई हूँ मेरा पिंडा जो है ना उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसको बहुत दिन से सोच रही थी ना मैं साफ़ करने के लिए। यहाँ पास ना हमारी छोटी जो है ना, मैं घर को लिपाई करूँ चाहे बाहर को करूँ, वो क्या करती है इधर आके वो ना पिंडा को लिपाई करती है और छापती है मिट्टी सबको ला ला के। तो इधर ना दोपहर में जब धूप होता है तो इधर जो है ना धूप तापने के लिए अच्छा बनता है, और धूप जो है इधर अधिक लगता है, इसलिए उसके पापा जी बोल रहे थे बहुत अधिक गंदा है, थोड़ा साफ़ कर देना, इस टाइप से बोल रहे थे। हम करते रहते हैं लेकिन छोटी जो है ना वो गंदा कर देती है, उसको नहीं लिपाई करने देती हूँ ना मेरे साथ तो इधर ही आ जाती है और वो लिपाई करती है, इसीलिए बहुत अधिक गंदा था। इसको भी मैं सोच रही थी आज करूँगी कल करूँगी, तो आज मैं इसको फाइनली कर ही दी। घर पे अभी लिपाई पोताई करती तो नहीं हो पाता, लेकिन आज घर पे नहीं हुआ क्योंकि लाइट जो है नहीं है और अभी लगभग ना 11 बजने ही वाले हैं, और आज मैं अभी तक जो है ना खाना और ब्रश भी नहीं की हूँ क्योंकि आज कुछ अधिक काम हो गए थे घर पे, और अंदर पे तो लाइट नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई मैं। तो यहाँ पर ना मैं पानी से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ करके धो दी हूँ। अब से दोपहर का जो है धूप इधर लगेगा तो इधर बैठने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जब भी आग तापते हैं ना बाहर तो इसी साइड पे मतलब आग जला करके बैठते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको धो दी। और इसको धोने के बाद ना अभी फिर से मैं अपना काम जो है शुरू करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अगले ब्लॉग में तो आप लोगों को दिखाई थी मैं कि आलू जो है वो कोड़ रहे हैं और पानी आने का संभावना भी बहुत अधिक है, क्योंकि तुरंत जो है बादल अचानक से छा जा रहा है, अगर आ जाएगा ना पानी तो जो है क्या बोलते हैं हम लोग का पूरा आलू जो है वो ख़राब हो जाएगा, और इतना मतलब मेहनत किए थे उसमें खर्च किए हैं वो सब सब मतलब पानी में चला जाएगा। इसीलिए अभी ना मैं इसको करने के बाद फ्रेंड्स खाना वगैरह खाऊँगी फ्रेंड्स, बहुत अधिक भूख भी लग रहे हैं, 11 बज गए हैं तब। तो इसको ना इस तरीके से बहुत अच्छा से मैं धो दी हूँ, देख सकते हैं पानी से मस्त दिखाई दे रहा है, अब इसमें बैठने से भी अच्छा लगेगा साफ। उसके बाद में ना मैं खाना वगैरह खाई फिर यहाँ पास आ गई थी, तो इस टाइम पे ना क्या बोलते हैं धूप नहीं था, बहुत अधिक हवा चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी मैं स्वेटर को पहन ली थी, ठंडा लग रहा था और उस टाइम पे थोड़ा धूप निकला था तो मैं खोल दी थी स्वेटर सबको जब पिंडा को धो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ना अचानक से फिर जो है बादल छा गया और बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा, तो मैं स्वेटर को पहन ली थी, मैं सोची पहन लेती हूँ, इसलिए पहन करके ही मतलब आलू जो है वो खुदाई कर रही हूँ, और आज मेरे को ना पूरा आलू जो है वो खुदाई करके ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि पानी आ जाएगा ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आज मैं ना लगी हूँ, जब से खाना खाई हूँ तब से लगी हूँ, और अभी लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं इसमें एक टब ना कोड़ करके घुसा चुकी हूँ आलू को, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर उसे कर रही हूँ। तो हमारी छोटी यहाँ पर है और एक और बच्ची है, वो पड़ोस में मतलब अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, ईंटा वगैरह बन रहा है तो कहीं से आए हुए हैं वो लोग, यहाँ पर बसेरा किए हैं तो बच्ची इसके साथ खेलने के लिए आ जाती है हर रोज़, तो वही है साथ में, और हमारी छोटी एक छोटा सा कुदरा ले ली है और दिन भर से उधर से इधर कोड़ रही है, उसको बोलती हूँ मत कोड़ो फिर भी से वो सुनती ही नहीं, उसको बोलती हूँ मेरे साथ आलू उठाओ तो बोलती है नहीं मम्मी मैं खुदाई करूँगी आलू आप उठाओ, ऐसे बोलती है। तो इस तरीके से देखिए किसी किसी टाइम पर ना बीचने भी लगती है आलू सबको, और किसी टाइम पे क्या बोलते हैं धूप निकलता किसी टाइम पे छांव हो जाता है, तो अभी ना आलू कोड़ते कोड़ते मेरे को गर्मी लग रहे थे इसलिए मैं स्वेटर को भी निकाल करके रख दिया अभी, उसके बाद में फिर से खुदाई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं इसको ना पूरा वहाँ से लेकर के ख़त्म मतलब कर चुकी हूँ, और एक बाकी रह गया है मेरे पीछे वाला, तो उसको भी अभी खुदाई करना है मेरे को, तो इसको घुसा करके फिर अभी उसको जो है खुदाई करूँगी। तो देख सकते हैं आज ना मैं पूरा आलू जो है ख़त्म कर चुकी हूँ, मेरा बाड़ी जो है खाली हो चुका है, तो देख सकते हैं इसको अभी मैं घर ले जा रही हूँ फ्रेंड्स, और आज का मेरा ब्लॉग ना यहीं तक रहेगा।